सो हेलो गाइज, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का। वेलकम 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 टू अनअकैडमी सीए इंटरमीडिएट प्रो यूट्यूब चैनल एंड स्पेशल क्लास बोथ ऑफ द प्लेसेस। सो आज हम लोग मिले हैं सर एक बड़े ही स्पेसिफिक एजेंडा के लिए। इफ यू आर अ स्टूडेंट जिसने सीए फाउंडेशन दिसंबर 2021 में क्लियर किया है और अब इंटरमीडिएट की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, सो दिस सेशन इज कंप्लीटली रेलेवेंट फॉर यू। सो दिस इज फॉर बिगनर्स, जो बच्चे अभी अभी शुरू कर रहे हैं इंटरमीडिएट की जर्नी, कुछ छोटी छोटी सी बातों को लेकर बड़े परेशान हैं, काफी सारे मैसेजेस भी आते हैं। तो इस सेशन के थ्रू हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको कुछ जनरल बातों के बारे में गाइड कर दिया जाए, ठीक है। और अगर आपके कोई सवाल है तो वो आप यहाँ पर पूछ भी सकते हैं, प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें भी। चलिए, तो कौन कौन आ चुका है यूट्यूब पे लाइव, कौन कौन आ चुका है स्पेशल में लाइव। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी, कमॉन 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 एवरीवन। यस, ईशु, अक्षिता, आयुष, सक्षम, विवेक, वेरी गुड इवनिंग। जिगर, आ जाओ भाई आ जाओ, कमॉन कमॉन कमॉन, फटाफट आ जाओ। मनीत एंड 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 यहां पर YouTube में रोशन कुमार, करणदीप, आर्यन, नवदीप, सक्षम, अंजलि गर्ग एंड अतिशय जैन, शिवानी थोरट। यस यस यस, हाय हाय हाय, हेलो जी हेलो जी, कम ऑन। जल्दी से पहले ना इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों तक पहुंचा दो ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी सेशन को शुरू कर लें, ठीक है। अविनाश, शिवम, एक्स वाई जी, शंभवी, सुनील, सुजल, रोहित एंड आशीष, सोनी, ओजस बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रकृति। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को दिल से एकदम बधाई देना चाहता हूं। सो वेरी 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 वार्म कांग्रेचुलेशंस टू ऑल माय वॉरियर्स जिन्होंने सीए फाउंडेशन का ये लेवल क्रैक कर लिया। नाउ वेलकम यू ऑल टू सीए इंटरमीडिएट, स्वागत है आप सभी लोगों को। यस, देखो खुशी की बात यह है कि हमने फाउंडेशन क्रैक कर लिया है, लेकिन अब सीरियस होने का टाइम भी हो चुका है। थोड़ी दुख की बात हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि अब और सीरियस होना पड़ेगा। जितना फाउंडेशन में हम सीरियस थे उससे ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। यस, क्योंकि अब सर हम एक बड़े बैटल के लिए तैयार है, फॉर अ बिगर बैटल। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो बैटल है बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी तक जो आप चीजें पढ़ रहे थे बड़ी एलिमेंट्री लेवल की थी, अब जो आप चीजें पढ़ रहे हो बड़ी प्रैक्टिकल लेवल की है ना। इस वजह से सर ये जो आपका इंटरमीडिएट है यार, आपको ना एक अलग ही लाइफ में टर्निंग पॉइंट की तरह वर्क करेगा आपके लिए। आपको बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेंगे बिजनेस वर्ल्ड के, और फिर आप आर्टिकलशिप में एंटर करने वाले हो। तो ये जो एक साल है ना आपका, ये आपको बहुत ज्यादा चेंज कर देगा एज अ पर्सनैलिटी ऑल्सो, एज योर लाइक नॉलेज। जो हम लोग कुछ चीजें मान के चलते थे कि यार ये ऐसा होता होगा या वैसा होता होगा, काफी सारी मतलब आई ओपनर वाली चीजें तुम्हारे साथ होंगी वेन एवर यू आर when you clear CA intermediate and you go to the articleship। तो कहीं ना कहीं सर ये बहुत ही important साल है आप लोगों का। अच्छा, जब आप CA intermediate की classes चालू करोगे उससे पहले तक मैं बोलता हूँ जिससे भी मिलना है, घूमना फिरना है, फिर लो, क्योंकि भाई ये तीन चार दिन के बाद जो तुम्हारी लाइफ चालू होगी ना वो बिल्कुल नॉन स्टॉप चलेगी भाई, लिटरली बता रहा हूँ। नवंबर तक तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये 2022 ना ऐसे निकल जाएगा, ऐसे एकदम ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। यस विवेक, हेलो शाहिद, यस अनु, गुड इवनिंग, बढ़िया सर। तो शुरू करें मेरे हिसाब से, अब है ना, शुरू किया जाए क्या। रोशन बोल रहे हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्या बात है। चलो भाई तो शुरू करता हूँ सेशन को। लेट अस बिगिन। सो आज हम लोग मिले हैं सर अ कंप्लीट गाइड फॉर बिगिनर्स फॉर द न्यू सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट। क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो यार, सबसे पहले ना अभी की बात है कि अभी करना क्या है। दो इंपॉर्टेंट एजेंडा है। पहला एजेंडा है सर कोर्स में रजिस्ट्रेशन। कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं, अरे सर एग्जाम फॉर्म नहीं आया, अभी मुझे तो कुछ नहीं करना ना, आईसीआई को तो पता है कि मैं सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया हूं तो मैं सीए इंटरमीडिएट चालू कर देता हूं। ऐसा नहीं होता बेटा। आप भले सीए फाउंडेशन क्लियर कर दियो, भले आईसीआई को पता है कि आप फाउंडेशन क्लियर, लेकिन आपका इंटेंशन आपको बताना पड़ेगा कि मैं सिर्फ फाउंडेशन करने नहीं आया था, मुझे इंटरमीडिएट की भी पढ़ाई करनी है। और ये इंटेंशन बताने के लिए, अपने आप को एलिजिबल करने के लिए एग्जाम के लिए आपको करवाना होता है रजिस्ट्रेशन। तो आज भी अगर कोई इस अजम्पशन पर बैठा हुआ है कि अब आईसीआई पे मैंने एक बार रजिस्ट्रेशन करवा दिया अब उनको सब पता है, नहीं भैया सब नहीं पता है। आपको बताना पड़ेगा फिर से कि मैं फाउंडेशन क्लियर हूं तो मैं चाहता हूं इंटर भी पढ़ना और इंटर का एग्जाम देना, ठीक है। तो दो चीजें, रजिस्ट्रेशन एंड स्टडिंग।
अच्छा, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग मैं कुछ गाइडेंस भी दूंगा आपको, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसकी एक बेसिक प्रोसीजर भी आप लोगों को बताऊंगा मैं, ठीक है? नो प्रॉब्लम। शिवम ने आज ही किया है। देवांश बोल रहे बुक मंगवा लें क्या? बहुत अच्छा सवाल भाई, बिल्कुल। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की कब है वो भी हमारे सेशन में कवर हो जाएगा बेटा, बने रहो मेरे साथ, कहीं पर जाना, इस सेशन में ऑलमोस्ट तुम्हारे सवाल कवर हो जाएंगे, ठीक है सर? नेक्स्ट, सीए इंटरमीडिएट कोर्स में स्टडी के बारे में पहले बात कर लेता हूं, फिर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा आगे चलकर बताऊंगा। पहले तुम समझो तो सही कि तुम्हारे सामने जो चीज आने वाली वो है क्या, ठीक है? आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं स्टार्टिंग में भी इस चीज को समझ चुके होंगे, जब उनका एग्जाम पूरा हो गया था, वार्म अप बैच लॉन्च होने से पहले भी ये चीज जान चुके होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, या तो आप फिर से सुन लो, या तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, मैं जानता हूं भाई, जिनको ये सारी चीजें नहीं पता है, ठीक है? चलो, सीए इंटरमीडिएट कोर्स सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सर इसके अंदर सब्जेक्ट्स और मार्किंग पैटर्न्स की, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सर देयर आर 8 सब्जेक्ट्स बेसिकली, तो ग्रुप्स पेपर्स एंड सब्जेक्ट्स, दीज आर 3 डिफरेंट थिंग्स गाइस, ग्रुप्स पेपर्स एंड सब्जेक्ट्स, 3 अलग अलग चीजें हैं। ग्रुप मतलब आपके पेपर का एक ग्रुप, ठीक है? पेपर मतलब किसी एक दिन जब आप देने जाते हो तो वो पेपर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक पेपर के अंदर एक ही सब्जेक्ट हो, देयर कैन बी पॉसिबल दैट देयर आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स। जैसे जब आप मेरे साथ पेपर नंबर 3 की तैयारी करते थे तो वो पेपर तो एक था, लेकिन सब्जेक्ट कितने थे जल्दी बताओ, सब्जेक्ट कितने थे जल्दी बताओ, 3, मैथ्स स्टैट्स LR। जब आप इकोनॉमिक्स का पेपर नंबर 4 देते थे तो आपके पास 2 सब्जेक्ट्स थे, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BC के। उसी तरीके से मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर भी सर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें सर ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 के अंदर आपके पास अकाउंट्स आता है, लॉ आता है, ये दोनों को देखकर ऐसा लगता है अच्छा फाउंडेशन में जो पढ़ा वही इंटर में आ रहा है, टेंशन ही नहीं रे भाई। फिर चालू होते हैं नए चीजें सर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिंदगी में पहली बार, टैक्सेशन जिंदगी में पहली बार, चलो एडवांस अकाउंटिंग तो फिर भी अकाउंटिंग हो गया, ऑडिटिंग जिंदगी में पहली बार, और ये सब्जेक्ट जिसका नाम ही इतना बड़ा है जिंदगी में पहली बार, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिंदगी में पहली बार, हाँ उसके अंदर थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी है, इसको आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है? अब यार बच्चे ना, कुछ बच्चे ऐसा सवाल पूछते हैं सर मैं बोथ ग्रुप कर लूं, सिंगल ग्रुप कर लूं, या फिर सर ये ग्रुप क्यों बनाया गया है, क्यों ग्रुप बनाता है ICI, क्यों ना सर सीधे पेपर ले लिए जाए सारे, ये जो भी चीजें हो रही ना आप ही के कन्वीनियंस के लिए। देखो यार क्या होता है, देर आर 8 सब्जेक्ट्स, एंड वेन देर आर 8 सब्जेक्ट्स ना, अगर 8 सब्जेक्ट में हम लोग वो क्राइटेरिया डाल देते हैं कि आपको सबको मिनिमम 40 नंबर लाना है, तो अगर एक बच्चा 8 में से 7 सब्जेक्ट में पास है और एक में फेल हो गया, क्या आप उसके दर्द को समझ पा रहे हो? अगर ग्रुप सिस्टम नहीं होता, अगर ग्रुप सिस्टम नहीं होता और सभी लोगों को एक साथ 8 सब्जेक्ट पास करने होते, क्या वो चीज चैलेंजिंग होती कि नहीं होती? सर बहुत चैलेंजिंग हो जाती, काफी चैलेंजिंग हो जाती। जैसे फाउंडेशन में आज 4 में से कोई किसी ने 3 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, एक सब्जेक्ट में छूट जाता कितना बुरा लगता है, वहां तुमने 7 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए और एक में छूट जाते तो कितनी दिक्कत हो जाती, यस और नो? बिल्कुल सही बात है, इसलिए ग्रुप सिस्टम लाया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, जब हम सीए इंटरमीडिएट में आते हैं सर, सारे के सारे पेपर हमारे 3 घंटे के होते हैं, सारे के सारे पेपर 3 घंटे, और कोई भी पेपर में सर 100% MCQ नहीं है, लेकिन आपकी खुशनसीबी यह है सर कि कुछ सालों पहले से ICAI ने कुछ सब्जेक्ट्स में 30% MCQ इंट्रोड्यूस कर दिए। हमारे टाइम में तो सर IPCC में 100% डिस्क्रिप्टिव होता था, नो MCQ थे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा MCQ आ गया है। जैसे कहां अकाउंटिंग तो पूरा डिस्क्रिप्टिव है, लॉ के अंदर देर आर 30% MCQs, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा लिखकर करना है, टैक्सेशन 30% MCQ, एडवांस अकाउंटिंग की बात करूं 100% डिस्क्रिप्टिव, एडवांस अकाउंटिंग ऑडिटिंग 30%। मतलब आप देखो 8 में से 4 सब्जेक्ट्स आपके थ्योरी हैं, पेपर 2 पेपर 4 थ्योरी और उसका मिक्स है टैक्सेशन, तो और पेपर 6 और पेपर 7, ये चारों पेपर जो हैं आपके उनके अंदर सर 30% MCQ है। लेकिन मजे की बात, MCQ होते हुए भी नो नेगेटिव मार्किंग। अच्छा नो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि देखो पहले मैं आपको इंटेंट बताता हूं इसके पीछे का, इसका इंटेंट क्या था ये सब चीजों का सर। इसका इंटेंट ये था कि पहले ना बच्चे बहुत शिकायत करते थे, जो कि वैलिड पॉइंट भी था, कि सर हम लोग ना सब कुछ समझ पाते हैं लेकिन हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है और हमारी लैंग्वेज लिखने की कैपेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, हम थ्योरी में निकल नहीं पाते।
आईसीआई ने बोला एक काम करते हैं बढ़िया, अगर तुम्हारा नॉलेज अच्छा है तो हम तुमसे 30 एमसीक्यू पूछ लेते हैं, अगर तुम इतना ही अच्छा नॉलेज है तो एमसीक्यू में तो राइटिंग मैटर करती नहीं, एमसीक्यू में राइटिंग मैटर करती है कि नहीं बताओ, सर बिल्कुल मैटर नहीं करती, तो एक काम करो आप एमसीक्यू 30% के 30% बढ़िया कर दो, फिर आप ये बहाना नहीं दे सकते कि मुझे लिखते नहीं आता इसलिए मैं निकल नहीं पाया, समझ रहे हो। तो कोई भी ये चीज नहीं बोल सकता कि सर क्योंकि एमसीक्यू जो है हमारे क्योंकि पूरा का पूरा सब्जेक्टिव था इसलिए मैं नहीं कर पाया, क्योंकि अब थ्योरी में भी 30% एमसीक्यू आ गए, और वो प्रॉब्लम अकाउंट्स और कॉस्ट में नहीं आती थी क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतना प्रैक्टिकल था, वहां पर नंबर्स और ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए सर थ्योरी सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा एमसीक्यू लाया गया। दूसरी बात, अगर 100 नंबर का लिखना होता है ना थ्योरी, टाइम भी बहुत जाता है भाई, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट मुश्किल पड़ती, 30% एमसीक्यू आने से बच्चे ना थोड़ा प्रॉपर तरीके से 70% पार्ट को लिख सकते हैं प्रॉपर राइटिंग में तरीके से लैंग्वेज सोच के, और बाकी 30% एमसीक्यू में वो वहां पर राइटिंग का कोई मैटर नहीं होता। तो आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे हो कि जितना एमसीक्यू आया है आप ही के फायदे के लिए, और आप उसी को आपको स्ट्रेंथ बना के आगे चलना है। बाकी मेरा सब्जेक्ट तो एमसीक्यू वाला है नहीं, तो बहुत ज्यादा इसके बारे में मैं बोलूंगा नहीं, सब्जेक्ट वाइज आपको पता चल जाएगा। तो व्हाई एंड व्हाट इज ग्रुप्स, इस चीज को जानने के लिए सर सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। पासिंग क्राइटेरिया बिल्कुल फाउंडेशन जैसा, सब्जेक्ट वाइज आपको 40% लाने हैं और ओवरऑल लेवल पर 50% लाने, लेकिन ये जो क्राइटेरिया अप्लाई होगा ये ग्रुप वाइज अप्लाई होगा। इसका मतलब ऐसा चेक नहीं होगा कि 8 सब्जेक्ट में आपके 400 आए हैं कि नहीं, पहले 4 पेपर को एक अलग पेपर की एक अलग एग्जामिनेशन की तरह माना जाएगा, ग्रुप 1 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, उसका इवैल्यूएशन अपने तरीके से होगा कि हाँ भैया ग्रुप 1 में 400 के पेपर हुए थे, क्या तुम्हारे 200 आए कि नहीं, क्या ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट में तुम्हारे मिनिमम 40 है कि नहीं, हाँ है, ग्रुप 1 क्लियर। फिर ग्रुप 2 का अलग इवैल्यूएशन होगा, ठीक है, सेपरेट इवैल्यूएशन करने से आपका ही फायदा है, इट इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स कन्वीनियंस ओनली, मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलो नाउ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सर, सिंगल ग्रुप वर्सेस बोथ ग्रुप, ये तो ऐसा सवाल हो गया है कि बच्चे लोग ना उनको नींद नहीं आ रही है फाउंडेशन पास करने के बाद से नींद नहीं आ रही है सोच सोच के कि सिंगल ग्रुप दूं कि बोथ ग्रुप दूं। ये तो वैसी वाली बात हो गई कि सर मेरी उम्र ना 20 साल हो गई है सर, 25 साल के बाद ना मेरे घर वाले लड़की देखने वाले हैं, अब मेरी शादी की टेंशन मुझे अभी से हो रही है सर, कैसी होगी वो लड़की या कैसा होगा वो लड़का, मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इतना बड़ा लाइफ का डिसीजन कैसे ले पाऊंगा। अरे भाई तू अभी 20 साल का यार, ये तो मेरी उम्र की बात मैं कर रहा हूं, तू क्यों सोच रहा है इसके बारे में, ये वैसी वाली बात है। मतलब सर मतलब समझे नहीं, मतलब ये है बेटा, मतलब ये है कि क्या अगले हफ्ते तुमको पेपर देना है? नहीं। क्या अगले हफ्ते तुमको एग्जाम फॉर्म भरना है? नहीं। क्या तुमको 8 सब्जेक्ट की क्लासेस एक साथ चालू करनी है? क्या दिन में 16 घंटे पढ़ने को रेडी हो? नहीं। तो भाई साहब बहुत सिंपल सा रूल है, अभी चल रहा है फरवरी 2022, आप यहां से पढ़ना शुरू करोगे 17 तारीख से, क्या पढ़ना शुरू करोगे? ग्रुप 1 पढ़ना शुरू करोगे। जब ग्रुप 1 पढ़ रहे होगे और जब ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म होंगी, मान लीजिए 31 मई 2022 के आसपास आपकी ग्रुप 1 की क्लास खत्म हो गई, उस दिन आपको फिर से सोचना है, विचार करना है कि भाई साहब मेरी कॉम्पिटेंसी कितनी है, मेरा ग्रेस्पिंग पावर कितना है, क्या पिछले 3-4 महीनों में मैंने जितनी पढ़ाई करी है क्या मैं अपने आप को मानता हूं इतना काबिल कि मैं यही सेम पेस में और कुछ महीने पढ़ाई कर पाऊंगा, या मुझे अभी तक जो पढ़ा उसी में बड़ा दिक्कत हो रहा है, क्या मैं 31 मई तक सब कुछ साथ में कर पाया या बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट हो गया है। ये बहुत सारे फैक्टर्स आपको 31 मई के दिन इवैल्यूएट करने हैं और उस दिन डिसीजन लेना है कि क्या आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 साथ में करना है कि नहीं। मतलब क्या ये क्वेश्चन आज के लिए रेलेवेंट है? आज आपके सोचने या ना सोचने से कोई फर्क पड़ता है? इनफैक्ट अगर आज आपने कोई चीज डिसाइड कर ली ना तो आपके लिए हानिकारक है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूं। जैसे देखो, मान लो आज तुमने ना एकदम कसम खा ली, प्रतिज्ञा ले ली कि मैंने बोध ग्रुप करना है। इंटेंशन रखना अपनी जगह और प्रतिज्ञा ले लेना अपनी जगह है। तुमने प्रतिज्ञा ले ली मतलब तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी हो जाए या अंबर झुक जाए, मैं तो बोध ग्रुप दूंगा। और मान लो कि ग्रुप 1 की क्लासेस में कुछ बैकलॉग हो गया कुछ इमरजेंसी रीजंस की वजह से, तो तुम तो अपने आप प्रेशर में आ जाओगे कि नहीं
मैंने तो जग जाहिर कर दिया कि मुझे बोध ग्रुप देना है। सो मैंने क्या बोला, आने वाले 3 महीने की जर्नी कैसी जाने वाली है, आने वाले 3 महीने की जर्नी हमारी कैसी जाने वाली है, अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे ना भाई कि हमें आगे वहां से ग्रुप टू की क्लासेस कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है, या थोड़ा रुक कर करना है, या ग्रुप वन का रिविजन चालू कर देना है, बैकलॉग था नहीं था, बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे। तो सबसे पहले सभी लोग मुझे प्रॉमिस करो कि सर आज से हम ये टेंशन लेना तो छोड़ देंगे कि हमको ग्रुप वन और ग्रुप टू साथ में करना है या नहीं, थोड़ा लेट सोचेंगे इसके बारे में। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं करना है बोध ग्रुप, मैं तो खुद बोलूंगा कि बोध ग्रुप करो भाई, मैं तो खुद बोलूंगा कि बोध ग्रुप करो, लेकिन बात यह है कि इस बारे में अभी टेंशन लेना इज बैड थिंग, अभी टेंशन लेना उसके बारे में इज अ बैड थिंग, डज नॉट मेक एनी सेंस, अभी उसके बारे में टेंशन लेने का कोई सेंस नहीं बनता, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है सर, ओके सर, क्लियर है। लेकिन फिर भी बच्चे सर, फिर भी बता तो दो सर। अरे सर नहीं, फिर भी थोड़ा सा बता तो दो, थोड़ा सा तो बता दो कि बोध ग्रुप करेगी सिंगल ग्रुप। मुझे पता है भाई तुम लोग नहीं सुधरोगे, थोड़ा सा तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि बोध ग्रुप और सिंगल ग्रुप में क्या फायदा या क्या नुकसान है। ठीक है, चलो वो थोड़ा सा बता देता हूं। लेकिन 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 क्या मैंने तुमसे ऐसा बोला कि आज रात में सोने से पहले डिसाइड कर लेना कि तुमको क्या करना है? नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम। एज ऑफ नाउ ओनली 2 एजेंडा यू हैव, टू स्टार्ट ग्रुप 1 क्लासेस एंड द सेकंड एजेंडा इज टू रजिस्टर फॉर सीए इंटरमीडिएट सो दैट यू विल बी एलिजिबल इन द नवंबर टू गिव द एग्जामिनेशन। ये 2 चीज आपकी फैक्टर है, बाकी पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ोगे, एक सही समय आएगा, मई का महीना जब चालू होगा तब से सोचना चालू कर देना। ठीक है, फिर ग्रुप 1 की क्लासेस एंड होने तक तुम्हारे माइंड में सर्टेन होना चाहिए वेदर यू वॉन्ट टू डू बोथ ग्रुप और द सिंगल ग्रुप, ये बात दिमाग में रखना। ठीक है, क्लियर है? ये डाउट की बटन इतने सारे लोग दबा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्या हो गया भाई, कुछ समस्या है क्या? बाप रे, चलो कोई बात नहीं, तो मैं बता देता हूं उस बारे में थोड़ा सा आप लोगों को क्लियरली। सिंगल ग्रुप, सर सिंगल ग्रुप लेने से क्या फायदा होता है? सिंगल ग्रुप लेने से ये फायदा होता है सर कि देयर इज इनफ टाइम फॉर मल्टीपल रिविजन्स। अगर बताओ मई में तुम्हारे क्लासेस खत्म हो गए, जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर, 5 महीने का रिविजन का टाइम, ओ हो, गजब का टाइम मिल गया, गजब का टाइम। अटेम्प्टिंग 1 ग्रुप एंड पासिंग इट इज बेटर देन अटेम्प्टिंग बोथ एंड पासिंग नन। अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे चीजों को और सिर्फ लोगों के प्रेशर में या पीयर प्रेशर में आपने एक एक ग्रुप ना देकर बोध ग्रुप दे दिया और दोनों ही ना निकले, और बाद में आपको ऐसा रिग्रेट होता है कि मुझे कम से कम एक दे देता तो एक तो निकल जाता, ये वाला रिग्रेट भी हो सकता है। तीसरी बात, अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो तो परेशान मत हो, क्योंकि सिंगल ग्रुप निकल के भी आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। तीसरी बात जो बुरी बात है, अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप देते हो ना तो एक तो इसकी क्या गारंटी कि तुम्हारा एग्जाम क्लासेस खत्म होने के बाद तुम सीरियसली रिवीजन करोगे? पता चला बचे हुए 4 महीने 5 महीने तुमने ऐसे बर्बाद कर दिए तो। दूसरा अगर तुम ये सोच के चल रहे हो कि मैं सिंगल ग्रुप निकाल के आर्टिकलशिप चालू कर लूंगा, तो आर्टिकलशिप करते समय तुम सेकेंड ग्रुप की पढ़ाई कर पाओगे? काम करना और पढ़ाई साथ में करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अभी तुम स्टूडेंट हो तो तुम प्योरली पढ़ाई कर सकते हो, जब तुम्हारा ऑफिस चालू हो जाता है ना तब इट इज अ वेरी बिग टास्क। तो लेट मी टेल यू गाइज, इट इज अ वेरी पर्सन टू पर्सन थिंग दैट चेंजेस पर्सन टू पर्सन वेदर वी हैव टू गिव सिंगल ग्रुप एंड बोथ ग्रुप, एंड ऑल्सो डिपेंड्स कि ग्रुप 1 की क्लासेस कैसी रही, क्या सब कुछ टाइम से हुआ, क्या सब कुछ आराम से समझ में आ रहा है, कैसा आपका कॉन्फिडेंस है। ठीक है, क्लियर? तो डोंट डिसाइड नाउ, डोंट डिसाइड एट ऑल। ठीक है, सेकंड, बोथ ग्रुप के क्या फायदे हैं सर? सर रैंक की पॉसिबिलिटी, जो लोग सिंगल ग्रुप देते हैं उनकी रैंकिंग नहीं आ सकती, ऑल इंडिया रैंक बोथ ग्रुप ही देना पड़ेगा आपको, रैंक चाहिए हो तो। इमेंस हार्डवर्क, सर वी आर रेडी फॉर इमेंस हार्डवर्क, ये हुई ना बात। एफर्ट विल बी 1.5 टाइम्स, मतलब आपको 1.5 गुना मेहनत करनी पड़ेगी सिंगल ग्रुप के कंपैरिजन में। 1.5 गुना क्यों सर? अगर मैं सिंगल ग्रुप दे रहा हूं तो 1 मेहनत हुई, तो डबल ग्रुप दूंगा तो डबल मेहनत हुई ना? नहीं, मैं तो फायदे की बात कर रहा हूं तुम्हारी। अगर तुम बोध ग्रुप देते हो ना तो तुम्हारी मेहनत डबल नहीं होती, 1.5 गुना होती। क्योंकि देखो जब हम कोई पेपर देने जा रहे हैं तो एक ड्यूरेशन होता है हमारे माइंड का, जब हम अपने आप को बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पढ़ाई में लगे हुए हैं, उस चीज को पहले तो पूरे 2022 में करना, उसके बाद सिंगल ग्रुप निकालने के बाद फिर ग्रुप 2 के लिए अगले 6 महीने 2023 के भी उसी में दे देना, ऐसा नहीं लगता कि यार इंसान तो पागल हो जाएगा 1.5 साल तक यही सब करते करते करते?
तो अगर वो सेम चीज बढ़िया तरीके से एक ही टाइम ड्यूरेशन में हो जाती ना दोनों चीजें, तो थोड़ा सा इजी होता है माइंड के लिए. सेम कंसिस्टेंसी डेढ़ साल तक मेंटेन करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. बट अगेन टेलिंग यू, क्या आपका जीवन का क्लासेस कैसा रहा, आपकी खुद की पर्सनल ग्रेस्पिंग कैसी रही, खुद को जज करना है. किसी के बहकावे में, किसी के प्रेशर में, वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर लूं, नॉट एट ऑल. तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं. एक होता है सेट ऑफ एडवांटेज, इसके बारे में सर जरूर जानेंगे बहुत अच्छे से. सेट ऑफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है बोध ग्रुप को ऑप्ट करते हैं. और दूसरी बात, अगर आप बोध ग्रुप निकल गए ना, तो मैं खुशी के साथ खुल के एकदम आर्टिकलशिप कर पाऊंगा बिना पढ़ाई की टेंशन के, छुट्टी वुट्टी लेने के पंगे नहीं रहेंगे, ये एक फायदा रहता है. ठीक है, चलो, ये बहुत सारी चीजें सर सिंगल और बोध के बारे में, जिसके बारे में हम फिर से बात करेंगे. तो मैं फिर आऊंगा आपके लिए, कॉस्टिंग का सिलेबस कंप्लीट करवा के फिर आपकी मदद करूंगा ये डिसाइड करवाने में कि आपको बोध ग्रुप देना है सिंगल ग्रुप. लेकिन अभी इस बारे में डिसीजन लेने की जरूरत है या नहीं है, जल्दी बताइए, क्या हमको आज डिसाइड करना है, नहीं करना है सर. और अगर आज कोई डिसाइड कर भी लेता है ना, मुझे नहीं लगता इट्स अ लॉजिकल थिंग. हाँ, अभी तुम ये जरूर सोच के चलो कि सर मेरा इंटेंट तो दोनों ग्रुप करने का है. हाँ, दैट इज गुड, बट डोंट बी डिटरमाइंड कि नहीं 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 बोध ग्रुप नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं. सोच के जरूर चलो, अभी से ये सोच के चलो कि मैं अपने डे वन से इतनी बढ़िया तरीके से ग्रुप वन की तैयारी करूंगा कि मैं आते आते तक मुझे ऐसा लगे कि अरे आने दो, चार और सब्जेक्ट आने दो, मैं पढ़ लूंगा वैसा. ठीक है, क्योंकि इन एनी केस यार, अगर कोई कर पा रहा है ना बोध ग्रुप, तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है यार. मैंने खुद बोध ग्रुप किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और मैंने क्लियर भी किया एक बार में, तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. लेकिन मेरे साथ सिचुएशंस बहुत सारी फेवरेबल थी. मेरी ग्रुप वन की एक भी क्लास मिस नहीं हुई थी, ग्रुप वन में मुझे सब समझ में आ रहा था, मेरी प्रैक्टिस ठीक चल रही थी. तो जब ग्रुप टू की क्लासेस की बारी आई, तो मैंने ये डिसीजन लिया कि सब सही चल रहा है तो चलने दो भैया, गो विद द फ्लो, काय को फ्लो बिगाड़ने का. मुझे ये भी डाउट था अपने आप के ऊपर कि ग्रुप वन की क्लास खत्म होने के बाद जो तीन चार महीने मिल रहे हैं, मैं इतनी ज्यादा सेल्फ स्टडी नहीं कर पाया, तो इससे अच्छा चलने दो भैया, बढ़िया चलने दो. ठीक है, वैसी वाली बात है. ऐसा बोलते हैं ना, मशीन को गर्म रहने दो, मशीन को गर्म रहने. जैसे तुम फोटोकॉपी की मशीन जाओगे फोटोकॉपी करवाने, तो फोटोकॉपी वाला नहीं भी होगा ना, तो फोटोकॉपी मशीन चालू रखेगा, ऐसा नहीं कि पावर से बंद कर देगा. मशीन को गर्म रहने दो, भले बाद में कोई आएगा. जैसे तंदूर होता है ना, तंदूर, अब रोटी का ऑर्डर नहीं भी आया तो तंदूर तो जलता रहेगा ना भाई, तंदूर बंद थोड़ी कर देंगे, पानी थोड़ी डाल देंगे तंदूर में. वैसी आपके साथ है कि भाई अगर आपकी गाड़ी गर्म रहेगी ना एकदम बढ़िया, कि हाँ भाई मेरे अंदर जो जोश है वो चालू है, पूरे पूरे साल मैंने तो मान ही लिया है कि मैं 2022 समर्पित करता हूं इंटरमीडिएट को, तो बोध ग्रुप भी निकल जाता है. वैसी वाली बात, नो प्रॉब्लम सर. अब सिंगल और बोध ग्रुप की बात नहीं करेंगे आज के बाद, हमने डिसाइड कर लिया सर, सिंगल और बोध ग्रुप का टेंशन हम नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि अभी समय है उस चीज को डिसाइड करने में. मैं फिर से आपको इनसाइट दूंगा आगे चलकर. ठीक है, चलो नेक्स्ट. सेट ऑफ एंड एग्जेम्पशंस, ये अच्छी चीजें हैं, तो इसके बारे में नॉलेज जरूर होना चाहिए, बिकॉज वी आर स्मार्ट स्टूडेंट्स, वी आर बाहुबली टीम स्टूडेंट्स, तो हमको पता सब होता है, लेकिन हम वरीड नहीं होते किसी चीज को लेके. वी आर स्मार्ट, वी नो एवरीथिंग, बट वी डोंट गेट वरीड अबाउट एवरीथिंग. ठीक है, चलो, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सेट ऑफ क्या होता है. जैसे देखिए सर, ग्रुप वन है, ठीक है, ग्रुप वन में तुम्हारे पास चार पेपर है, पेपर नंबर वन, पेपर नंबर टू, पेपर नंबर थ्री, पेपर नंबर फोर. मान लीजिए तुम्हारे मार्क्स आते हैं इसमें 42, ठीक है, इसमें आते हैं मान लो 50, इसमें मान लो आते हैं 48. कितना हो गया भाई, 40, 40, 80, 90, 140, 42, 50, 48, 140, और इसमें मान लो तुम्हारे आते हैं 56. कितना हुआ पूरे ग्रुप का टोटल सर, 196. अब अगर तुम ग्रुप वन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे, तो जल्दी बताओ मुझे, पास है या फेल है ये? ग्रुप वन के हिसाब से पास कहलाया या फेल कहलाया? सर फेल कहलाया. क्यों? क्योंकि एग्रीगेट नहीं बन पाया. इंडिविजुअली तो मैं 40 से ऊपर हूं सभी में, पर एग्रीगेट नहीं बन पाया. क्या मुझे पेपर्स फिर से देने पड़ेंगे? यस, आपको पेपर्स फिर से देने पड़ेंगे. मान लो आपने साथ में ग्रुप टू भी दिया होता, पेपर नंबर 5, 6, 7 और 8, और ग्रुप टू में आपको सब्जेक्ट जम रहे थे, और मान लो आपके नंबर आए थे 50, 60, 62, ठीक है, और मान लो इसमें आपके आए थे 43,
कितना हो गया टोटल 50 60 62 43 सर यार 215। अब आईसीआई क्या बोलती है, आई अप्रिशिएट यू कि तुमने बोध ग्रुप दिया, अब सिर्फ एग्रीगेट की वजह से अगर तुम बच जा रहे हो ना, तो अगर तुम्हारे पास ग्रुप टू में बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस बचा हुआ मतलब तुम्हें यहां 200 की रिक्वायरमेंट थी सर, 200 की रिक्वायरमेंट थी, 15 मेरे पास एक्स्ट्रा है, ये 15 जो एक्स्ट्रा है ना ये तुम इसमें जाके जोड़ सकते हो। मतलब अगर तुमने साथ में दोनों ग्रुप दिए हैं और किसी एक ग्रुप में तुम्हारा एग्रीगेट टोटल रिक्वायरमेंट से ज्यादा आया है, मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज्यादा आया है, तो वो जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उसको दूसरे ग्रुप में डाल के सेट ऑफ कर सकते हो, समझ रहे हो। यहां 4 नंबर की जरूरत थी, अरे सर मेरे पास तो 15 का बैलेंस रखा हुआ है, क्या यहां पर ओवरऑल पास कहला जाएगा इंसान? यस सर। सर ऐसा आएगा क्या पेपर में लिखा, रिजल्ट में ऐसा लिखा आएगा क्या कि मैं बोध ग्रुप पास हूं और फर्स्ट ग्रुप फेल हूं? क्या पेपर में ऐसा लिखा आएगा कि तुम बोध ग्रुप पास हो और फर्स्ट ग्रुप फेल हो? अरे नहीं रे भाई, जब मैंने बोल दिया बोध ग्रुप पास हो तो बोध ग्रुप पास हो, बात खत्म हो जाती, समझ गए। तो सेट ऑफ का मतलब मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। सेट ऑफ का मतलब सर अगर हमने दोनों ग्रुप दिए हैं और किसी एक ग्रुप में हमारे पास ओवरऑल लेवल पर 200 से ज्यादा नंबर है और दूसरे ग्रुप में 200 से थोड़े कम नंबर है, बशर्ते कि मैं इंडिविजुअली सब में पास हूं, तो मैं इसको कैरी फॉर मतलब सेट ऑफ कर सकता हूं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप। अच्छा क्या ये बात तब एप्लीकेबल होगी जब मान लो कि मेरे पास यहां 42 ना आया होता, मान लो मेरे पास यहां 39 आया होता, और मान लो ये 193 होता? नहीं सर, तब नहीं हो पाता, तब नहीं लग पाता आपका सेट ऑफ, क्योंकि आप ना ग्रुप वन इसलिए फेल हो गए हो क्योंकि आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो, समझ रहे हो आप बात को, लाइक दिस। तो ये यहां पर वर्कआउट नहीं करेगा। सो इंडिविजुअली तो सब में पास होना ही पड़ेगा अगर बोध ग्रुप क्लियर करना है। क्लियर सर, क्लियर। नाउ एग्जेम्पशन क्या होता है सर? एग्जेम्पशन एक तरह का बोला जाता है कि यार अब इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में 60 से ज्यादा मार्क्स लेकर आया यार और किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की वजह से फेल हो गया है, मान लो कि ग्रुप वन में हमारे मार्क्स आते हैं लाइक दिस, पेपर नंबर वन में हमारे आ गए मान लो 68, पेपर टू में मान लो हमारे आ गए 42, पेपर नंबर थ्री में मान लो हमारे आ गए 59, और मान लो इसमें आ गए हमारे 36, तो उनका कहना है कि यार देखो यार अब बच्चा फेल तो कहला गया है, उसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि एक सब्जेक्ट की वजह से फेल हो गया, बट द पॉइंट इज कि क्योंकि उसने इतने बढ़िया मार्क्स लाए हैं किसी एक सब्जेक्ट में, तो ये वाले सब्जेक्ट से हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। मतलब आप बेटा अगले वाले अटेम्प्ट में ना ये वाला पेपर मत देना, अगले अटेम्प्ट में यही वाले सेम नंबर हम आपके जाके वहां जोड़ देंगे। कितनी बढ़िया बात है बताओ, क्या आपके फायदे के लिए आपको नजर आ रहा है? इनकेस आप किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हो और उसके अगले अटेम्प्ट में उसमें किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में नहीं निकल पाते, तो ये जो जिसमें आपके 60 से ज्यादा आए थे ना वो पेपर आपको अगली बार नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं सर कि जब आप दूसरी बार पेपर देने जा रहे हो ना, तब आपको उस ग्रुप के सारे पेपर अटेम्प्ट करने थे। मतलब ऐसा नहीं होगा, सॉरी, जब आप एग्जेम्पशन ले रहे हो ना तब ऐसा नहीं हो सकता था कि सर मैं एक काम करता हूं सिर्फ अकाउंट्स की तैयारी कर लेता हूं, मेरी तबीयत खराब थी तो बाकी 3 पेपर देने नहीं जाता, अकाउंट्स में तो मैं 70 ले आऊंगा। गलत। अगर आप इसमें 68 लाए और इनमें से किसी एक में भी एब्सेंट हो गए ना, तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। फिर से सुनिएगा, जब आपको एग्जेम्पशन क्लेम करनी है उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में अगर आप किसी भी पेपर में एब्सेंट थे, आप पेपर देने नहीं गए, तो आप एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। मतलब एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए जिस पर्टिकुलर ग्रुप का वो पेपर है उस पूरे ग्रुप के सारे पेपर आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। मतलब कई बार क्या होता है ना, लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं एक ही सब्जेक्ट की तैयारी कर लेता हूं और उस सब्जेक्ट को देके आ जाता हूं, बाकी नहीं जाऊंगा, एग्जेम्पशन ले आता हूं एक में। ना, अगर आप एग्जेम्पशन के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो फॉर्मेलिटी के लिए आपको जरूर जाना है दूसरे पेपर में, फॉर्मेलिटी के लिए जरूर जाना पड़ेगा। क्लियर है? चलो कूल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वैलिडिटी। ओ भाई साहब, एग्जेम्पशन की वैलिडिटी, मतलब ये जो एग्जेम्पशन आपको मिला है तो अगले अटेम्प्ट में तो आप उसको यूज कर सकते हो। मान लो अगले में आप नहीं निकल पाए, उसके अगले में और कर सकते हो, उसमें भी नहीं निकल पाए, उसके अगले में और कर सकते हो। बस ये 3 बार तक यूज हो सकता है। 3 बार में भी अगर आपने नहीं किया तो फिर 4th बार से आपको फिर से पेपर देना पड़ेगा अकाउंट्स का, मैं जो भी सब्जेक्ट जिसमें एग्जेम्पशन। आई होप ये बात भी क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। 3 बार होगा।
चलो तो अब ये वाली सारी बात हो गई सर, जिसमें आपने सब्जेक्ट्स को समझ लिया है, आपने पासिंग क्राइटेरिया समझ लिया है, आपने लॉजिक समझ लिया व्हाई ICAI हैज इंट्रोड्यूस्ड द ग्रुप सिस्टम, और आपने ये भी समझ लिया है, ये भी समझ लिया है कि सेट ऑफ क्या होता है, एग्जेम्पशन क्या होता है, और सिंगल के अपने क्या फायदे क्या नुकसान है, और डबल के अपने क्या फायदे क्या नुकसान है, ये भी आपने देख लिया है। ठीक है, चलिए गुड। एक अटेम्प्ट में आप एक ही पेपर का शायद एग्जेम्पशन ले सकते हो, बहुत सारे एग्जेम्पशन नहीं ले सकते, एक अटेम्प्ट में एक ही पेपर का आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसको कैरी फॉरवर्ड करना, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि तीन एग्जेम्पशन लेके अगले में चले गए सिर्फ एक ही पेपर देना रहा, ना, कोई एक ही सब्जेक्ट का आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। ठीक है, चलो, व्हेन एंड हाउ टू रजिस्टर फॉर CA इंटरमीडिएट कोर्स, कब और कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं कब को लेकर, क्योंकि कब को लेकर बच्चों को बड़ा लीनियंट लग रहा है, नहीं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी को पता है व्हाट इज द ड्यू डेट, व्हाट इज द ड्यू डेट बाय ICAI? अगर आपको नवंबर 22 का एग्जाम देना है तो व्हाट इज द ड्यू डेट, 1 अप्रैल, 31 मार्च, 1 मार्च, बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। यहां पे ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हम लोग खुद समझते हैं ना यार, हमको किसी से ड्यू डेट देखने की जरूरत नहीं आई, और नेट में लिखी भी नहीं होती ड्यू डेट। लिखा हुआ है कि अगर आप CA इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या है सर, कि आप CA फाउंडेशन क्लियर होने चाहिए, दूसरी बात आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर्ड होने चाहिए, तीसरी बात आपने 8 मंथ्स ऑफ स्टडी कोर्स कर लिया हो एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ जब एग्जाम हेल्ड हो रहे हैं। अच्छा, जनरली जो हमारा अगला वाला अटेम्प्ट है जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो कौन से महीने में होगा बताइए आप, जनरली कौन से महीने में होगा, नवंबर 2022 की पहली दिनांक कौन सी कहलाई, सर 1 नवंबर 2022, बोल रहा है 1 नवंबर 2022 के दिन रजिस्ट्रेशन से लेकर अब तक तुम्हारे 8 महीने हो जाने चाहिए। समझ रहे हो बात को, ट्राई टू इंटरप्रीट द रूल ऑफ ICAI, ये ICAI का रूल है कि जिस दिन जिस महीने में पेपर होने वाले हैं उस महीने की पहली तारीख को आपके पास रजिस्ट्रेशन से लेकर उस डेट तक में 8 महीने का गैप होना चाहिए। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, चलो ये नवंबर है तो अक्टूबर सितंबर उल्टा आते हैं, अक्टूबर सितंबर अगस्त जुलाई जून मई अप्रैल और मार्च। मुझे एक बात बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आपको 31 अक्टूबर के दिन 8 महीने पूरे करने हैं तो क्या 1 मार्च से लेट करोगे तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यू हैव टू रजिस्टर बिफोर 1st ऑफ मार्च। तो ऐसा नहीं है कि कहीं लिखा हुआ 1st ऑफ मार्च, हमने इंटरप्रीट किया है इसको, ठीक है, हमने इंटरप्रीट किया है, ठीक है, चलेगा, ओके। तो इसका मतलब सर 1st ऑफ मार्च तक प्लीज रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि ICAI के नियमों के हिसाब से अगर आप 1st मार्च के बाद रजिस्टर करते हो ना तो आपको रजिस्टर करने में कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आप नवंबर का एग्जाम नहीं दे पाओगे, फिर आपको मई 23 में एग्जाम देना पड़ेगा। तो प्लीज बी वेरी कॉशियस अबाउट इट, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू, इनफैक्ट आई विल टेल यू भाई, 17 फरवरी के बाद ये सब टेंशन मत पालना, एक बार क्लासेस चालू हो गई ना टाइम नहीं मिलेगा तुमको रजिस्टर करने का, संडे वनडे रहेगा बीच में बस, तो 17 से पहले निपटा दो, सबसे बढ़िया 17 से पहले निपटा दो, ठीक है। चलो अब सवाल उठता है सर हाउ टू रजिस्टर, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एकदम शॉर्टली समझ लो, तुम छोटे बच्चे नहीं हो आराम से समझ पाओगे, ठीक है, एक बेसिक बता देता हूं, क्योंकि फाउंडेशन में भी तुम्हारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है तो तुम ऑलरेडी जानते हो हाउ टू डू दैट। तो सुनिए, SSP ICAI लिखना है आपको, सेल्फ सर्विस पोर्टल, उसमें आप गए, फिर आपके पास यहां पर यूजर ID पासवर्ड आएगा जो आपके पास है, जो आपने CA फाउंडेशन में भी यूज किया है, अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो डाल देना। सर यहां ऊपर क्या डालना है, यहां पर आपको अपना ICAI का वो वाला नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर CROWRONRO। फिर सेल्फ सर्विस पोर्टल में आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सारी चीजें ओपन हो जाएंगी, जिसमें दो चीजें, स्टूडेंट साइकिल, आर्टिकलशिप साइकिल, आप स्टूडेंट में जाइए, अब यहां पर वो खुद समझ जाएगा कि आपको क्या करना है। अगर आप फाउंडेशन क्लियर हो तो अपने आप ये दो ऑप्शंस आएंगे कि आप डायरेक्ट एंट्री से अंदर जाना चाहते हो इंटर में या फाउंडेशन रूट से, कभी कभी CPT भी लिखा होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो सर आप गए मान लो CPT वाले फाउंडेशन वाले रूट से, जैसे ही आप इसमें जाओगे तो बहुत सारी डिटेल तो ऑटो पॉपअप होके आने वाली है, पर कुछ डिटेल्स जो ऑटो पॉपअप नहीं होंगी तो वो आपको डालनी पड़ेंगी, ठीक है, एड्रेस वेड्रेस सब डाल देना, बहुत बेसिक सा फॉर्म है यार, उसके बाद कैटेगरी वैटेगरी ये सब डाल दिया। अब यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन मोड में बताना पड़ेगा न्यू FND,
न्यू एफएनडी मतलब मैं फाउंडेशन रूट से आया हूँ, पुराने समय पे पीई वन होता था, सीपीटी होता था, मैं उस रूट से नहीं हूँ, मैं न्यू फाउंडेशन से हूँ, न्यू एफएनडी, ठीक है। उसके बाद सर ये करने के बाद आपको यहाँ पर कोर्स बताना पड़ेगा। अब क्या तीन ऑप्शंस होते हैं रजिस्ट्रेशन करवाते समय, या तो मैं ग्रुप वन का रजिस्ट्रेशन करवाऊं, या टू का करवाऊं, या बोथ का करवाऊं। भाई रजिस्ट्रेशन करवाते समय कभी ये गलती मत करना कि मुझे तो अभी ग्रुप वन देना है, ग्रुप वन का करवा लेता हूँ। बार बार रजिस्ट्रेशन के इन सब चीजों में क्यों पढ़ना भाई, बोथ ग्रुप रजिस्ट्रेशन करवाओ, पेपर अपने हिसाब से दो। एक बार बोथ ग्रुप रजिस्ट्रेशन हो गया ना तो तीन साल तक तुमको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता, वो हमेशा वैलिड रहता है। तो प्लीज जब भी रजिस्ट्रेशन कीजिए प्लीज बोथ ग्रुप के लिए कीजिए, बार बार ये सारे गड़बड़ नहीं होने चाहिए कि भाई फिर से सेकंड ग्रुप का करना पड़ेगा, ये सब मत करो, बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करो। आई थिंक उसमें आपको वैल्यू वाइज भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, जो आपको कॉस्ट लगती है ना वो भी बोथ ग्रुप में कम लगती है, ठीक है। उसके बाद आता है सर इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चों को तैयार रखना है पहले से सर, फोटो सिग्नेचर इन दोनों की स्कैंड कॉपी। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ भाई कि मैक्सिमम साइज ऑफ द इमेज कितना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आई थिंक वो भी लिखा हुआ होगा कि जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद बाकी चीजें जो है जो कंपलसरी नहीं है मत डालो उसको, जो कंपलसरी बस उसको डाल दो, ठीक है। ये करने के बाद फिर आप आगे जाओगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि अगर आप सिर्फ एक ग्रुप कर रहे हो तो कितना, बोथ ग्रुप कर रहे हो तो कितना, ऐसे करके फीस आपकी दी हुई है, ठीक है। मान लो आपने बोथ ग्रुप कर दिया तो ये देखो 18,000 लिखा जाएगा, मतलब आप इंडिविजुअली दो ग्रुप करोगे तो 13,000 लगेंगे, 26,000 रुपए लगेंगे, और लॉजिकल भी नहीं है। एक साथ बोथ ग्रुप करवाओगे तो आपको 18,000 लगेगा। जर्नल लेना है क्या भाई, अगर जनरल को सब्सक्रिप्शन मत लेना, नेट से डाउनलोड कर लेंगे ना यार, मत करना सब्सक्रिप्शन, क्या मतलब है जर्नल का सब्सक्रिप्शन लेने से, क्या मतलब है, वो तो वैसे भी पीडीएफ आ जाती तुम्हारी आईसीआई की वेबसाइट पर, तो उसके लिए 400 रुपए मत ऐड करवाना भाई, है ना, कोई मतलब नहीं है 400 रुपए खर्च करने का। फिर ओटीपी जनरेट होगा और आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखना, ऐसा नहीं होगा कि सबमिट होगा और सब चीज अपने आप हो जाएगी, कि कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा जाएगा, योर ऑर्डर हैज बीन बुक्ड, अभी बुक भिजवा देते हैं, नहीं भाई, धीरे धीरे ही होता है, जैसे फाउंडेशन का होता था ना वैसे धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगी चीजें, वो फिर वो आपकी अलग अलग प्रोसेस में अप्रूवल के लिए जाएगा, फिर जब अप्रूवल हो जाएगा तो लिखा आएगा कि सक्सेसफुल हो गया है, टाइम लगेगा इन चीजों में, इसलिए टाइम से कर लेना उसको, ठीक है, जल्दी से जल्दी। अब सवाल उठता है सर कि अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट में आता है तो सर घर में उसको फाइनेंशियली कितना बताने की जरूरत है कि सर उस हिसाब से हम घर में अरेंजमेंट कर सकें फंड्स का, हमारे पापा पूछ रहे हैं कि कितना खर्चा आएगा, तो ये सब थोड़ा पता होना चाहिए ना आपको यार, आप ही तो पता करोगे और कौन पता करेगा, आप छोटे बच्चे थोड़ी हो कि आपके लिए मम्मी पापा पता करेंगे, आप ही को बताना है मम्मी पापा को, यस और नो, ठीक है। तो एक तो आपको पता होना चाहिए सर कि आईसीएआई की एक फीस लगती है, और दूसरा पढ़ाई के लिए आपकी क्लासेस की फीस लगती है, ठीक है। सबसे पहले आईसीएआई फीस की बात कर लेते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया था 18,000 रुपीज आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, तो 18 रजिस्ट्रेशन, तो ये तो कंपलसरी लगना ही लगना है, ये अभी लगेगा, मतलब जब आप रजिस्टर करोगे, मतलब यू नीड दिस फंड इमीडिएटली। और फिर जब आपके एग्जाम्स होंगे नवंबर, उससे दो महीने पहले जब एग्जाम फॉर्म्स आएंगे टाइम टेबल के बाद, तो एग्जाम फीस लगेगी अराउंड 2,000 रुपए की, मतलब 20,000 रुपए तो आप ये मान के चलो साल भर में आपको आईसीआई को देने इंटर के लिए। फिर आता है सर कोचिंग फीस। कोचिंग फीस में सर आप जनरली देखोगे तो ऑफलाइन कोचिंग फीस में आप मान के चलो पर सब्जेक्ट 10,000, मतलब 80,000 रुपीज का आपका जो होता है मान के चलो फीस लगता है, ठीक है। ये हो गया ऑफलाइन का, जनरली जब हम लोग पढ़ा करते थे हम लोग जो फीस देते थे, ये भी मैं आपको कम बता रहा हूँ, इट वेरीज ऑल्सो, मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में ज्यादा भी होती है, कुछ में कम भी होती है, एवरेज मान के चलो आप 80,000 से 1,00,000 के बीच में आपको पूरा इंटर का क्लासेस का लगता है बोथ ग्रुप का, ठीक है सर। और ये मैं उस क्लासेस की बात कर रहा हूँ जहां पर आपके पास चॉइस नहीं होती, आपने अगर एक बैच ज्वाइन कर लिया तो आपको उसी बैच से पढ़ना है, उसी टीचर से पढ़ना है, नो चॉइस ऑफ टीचर्स, नो चॉइस ऑफ एनीथिंग, और यहाँ पर क्लासेस खत्म होती तो खत्म हो जाती है, फिर आपको एग्जाम तक सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक नाउ। लेकिन अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो विच इज लक्ष्य नवंबर 22, जहां पर आप देख सकते हो पूरा बोध ग्रुप का बैच बना हुआ है, यस सर, इसमें हम लोगों ने अभी से आपको प्लानिंग बता दी, अभी से प्लानिंग बता दी भाई, इसमें कुछ वो नहीं होगा कि ठीक है चलता जा रहा है तो चलता जा रहा है, बाद में लेट हो गया, तुम्हारा तो अटेम्प्ट भी बिल्कुल टाइम से हुआ है, रिजल्ट भी टाइम से आया है, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली है। 17th of February से हम लोग चालू करेंगे बैच को, 31st of May हमारा डेडलाइन है फर्स्ट ग्रुप का, फिर एक दिन का ब्रेक, 2 June से सेकंड ग्रुप की क्लास चालू होगी, 15 August इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, आप अपनी रेगुलर क्लासेस से स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वतंत्रता दिन के दिन, उसके बाद आपका चालू होगा रिविजन एटसेट्रा, मैराथन रिविजन, ये सब चीजें। फिर भी अगर आप सोचो तो टाइमलाइन देखो ना, 15 अगस्त को आप फ्री हो रहे हो,
15 अगस्त से लेके नवंबर की जिस डेट तक आपकी एग्जाम, कितना सफिशियंट टाइम रिवाइज करने की, कितना सफिशियंट टाइम है, ठीक है। तो बहुत देखो यार, अगर हम अच्छे से मेहनत करें, अगर हम सिंसियर रहें, अगर हम कंसिस्टेंट रहें, बिल्कुल किया जा सकता है बोध ग्रुप, पर बशर्ते कि आप लेट मत करो। 17 फरवरी मतलब 17 फरवरी चालू कर दो, क्योंकि आप किसका वेट करना है बताओ ना भाई, किसका वेट करना है? जब रिजल्ट आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो किसी का वेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो तो पढ़ाई बढ़िया से चालू कर दो आप। दूसरी बात, ये पूरे बैच में सर हम लोग बोथ ग्रुप्स का फुल सिलेबस कवर करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अनअकैडमी के ऐप पे जाते हैं और बोलते हैं सर वहां तो अभी सिर्फ ग्रुप वन की क्लास दिख रही है। बेटा ये जो कोर्स क्रिएशन होते हैं ना, बैच चालू होने के कुछ दिन पहले किए जाते हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपके अनअकैडमी के ऐप में ग्रुप 2 का कोर्स कब दिखेगा? 31 मई से एक हफ्ते पहले दिखना चालू होगा, अभी से थोड़ी दिखेगा। लेकिन कोऑर्डिनेटेड है ना, समझो there will be two batches but they will be coordinated, कि ग्रुप 1 खत्म होगा तो 2 चालू होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ग्रुप 1 खत्म होगा तब 2 चालू होगा। तो 2 का जो विजिबिलिटी है ऐप में, वो मे के टाइम में आएगी, मे लास्ट वीक, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि सर लोगों ने तो प्रॉमिस किया था बोथ ग्रुप करवाएंगे, ऐप में तो सिर्फ 4 ही टीचर का नाम दिख रहा है, 5 ही टीचर का नाम दिख रहा है। भाई भरोसा करो, कहीं नहीं भागने वाले, है ना। ऑलरेडी बहुत सारी बैचेस होगी, आप पीछे जाके देख भी सकते हो। नाउ 6 दिन का हमने सर क्लासेस रखा हुआ है, एम्पल ऑफ प्रैक्टिस आपकी इसमें कवर है। संडे आपको रिजर्व रखा हुआ है ताकि आप बैकलॉग क्लियर कर सको, रिविजन कर सको। मंथली प्लानिंग तो आपको दी ही जाती है, स्ट्रेटेजी दी ही जाती है, और जैसे फाउंडेशन में और हमारी सारी आइकॉनिक बैचेस में सिंगल गूगल ड्राइव लिंक होता है, वैसे आपको गूगल ड्राइव लिंक भी दिया जाएगा, ताकि आप ऐसे एक्साइटिंग से नोट्स देख रहे हो आप, कलरफुल नोट्स, ये देखो ऐसे एक्साइटिंग से कलरफुल नोट्स आप एक्सेस कर सको। ये देखो, ये मेरे ही नोट्स हैं भाई, लेटेस्ट नोट्स हैं, अपडेटेड नोट्स। अपडेटेड मतलब योर बैच विल बी द फर्स्ट बैच जहां पर मैं ये नोट्स आप लोगों को देने वाला हूं। योर बैच विल बी द फर्स्ट बैच, ठीक है। तो बड़ा मजा आएगा भाई आप लोगों को, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ आपको दिया जाएगा, आपके पास चॉइस रहेगी कि आपको उसे ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करना है, कलर में, बिल्कुल आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यू आर द फर्स्ट वन जिनको मैं कंप्लीटली फुल कलरफुल देने वाला हूं, मतलब मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस भी इसमें कवर हो गए। पहले सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नोट्स देता था, लेकिन इस बार से मैं एक ही बुक के अंदर क्वेश्चंस भी रख रहा हूं और कॉन्सेप्ट्स भी रख रहा हूं। मतलब आपको मॉड्यूल को कंटिन्यूअसली अपने पास रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ कभी कभी बीच बीच में हम लोगों को सर रेफर करना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है जी। चलो तो ये भी हो गया, और ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलती हैं, मतलब आपको अलग से कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। हाँ ये है कि पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि प्लस जो होता है उसमें आपको प्रिंटेड बुक्स होती नहीं, और हम लोग बुक्स हमारी हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी कुछ आइकॉनिक वाले होंगे, बोलेंगे सर आपके नोट्स तो हमें वहां नहीं मिल रहे हैं, अपग्रेडेड नोट्स है ना भाई, इसलिए लेटेस्ट वाले चाहिए तो आपको यहां से मिलेंगे, ठीक है। चलो और दूसरी बात सर, ऑडियो इंटरेक्शन तो होता ही है, अभी हम लोग एक आध ऑडियो भी ले लेंगे भाई अभी, तो लोगों को पता चल जाए कि ऑडियो इंटरेक्शन क्या होता है। फिर अनलिमिटेड वॉच टाइम होता है, स्टडीज हैज नो लिमिट भाई, लिटरली मतलब आपके पास वहां कुछ नहीं बोला जाएगा कि आप कितनी बार देख रहे हो, क्या देख रहे हो। जब तक आपकी वैलिडिटी है सब्सक्रिप्शन की, तब तक आप कुछ जैसे यूज करना है वैसे यूज करो। सिंगल सब्सक्रिप्शन सब कुछ देता है, और लक्ष्य इज ऑलवेज द बेस्टेस्ट बैच ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। पिछले वाले फाउंडेशन लक्ष्य बैच में भी 95% रिजल्ट रहा है भाई, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। चॉइस ऑफ एजुकेटर, चॉइस ऑफ बैच इज ऑलवेज देयर, वी डू नॉट टॉक बिग थिंग्स, बाकी तुम खुद जानते हो भाई, काम ही करके दिखाता है। और ये है हमारा टाइम टेबल, तो देखो भाई आप 17 से कैसे ऑक्यूपाइड होने वाले हो। मंडे टू सैटरडे तो आपका हो गया बुक, और कैसा बुक हो गया, 8 से 10, 10:15 से 12:15, मैं आपको मिलने वाला हूं 2:30 से 4:30 बजे तक कॉस्टिंग, ठीक है। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, लाइव करो मैक्सिमम, क्योंकि आपको पहले ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अपने तरीके से रिकॉर्डेड कर लेता हूं यार, पुराने लेक्चर से कर लेता हूं, बाद में तुमको रियलाइज होगा अरे सर मन नहीं लग रहा, सर वो डिसिप्लिन ही नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि चलो छोड़ो यार बाद में कर लेंगे, हमारे हाथ में तो है। तो अगर आप अपने आप को चाहते हो डिसिप्लिन रहो ना, मैं बता रहा हूं लाइव को उतना ही सीरियसली लो जैसे आपको क्लास में जाना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल बोलता हूं कि आपके पास बैकअप फैसिलिटी है, अनलिमिटेड वॉच टाइम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना 1 घंटा दे रहा है ना, तो उसे वापस देखने में क्यों दे। योर टाइम इज वेरी प्रीशियस, इट्स नॉट अबाउट कि सब्सक्रिप्शन में बहुत सारा बार देखने को बोला है तो मैं बहुत सारे बार देखूंगा, नहीं, पहली ही बार में इतने फोकस के साथ पढ़ो कि क्लासेस को रिपीट ना करना पड़े, समझ रहे हो बात को। यस, इज देयर एनी इवनिंग बैच फॉर डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स? सुहास बेटा अगर आप डायरेक्ट एंट्री वाले हो तो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी बैच को ज्वाइन करो, लेकिन सेम डे पर उन्हीं लेक्चर्स को रिकॉर्डेड देखो, सेम डे पर, भले रिकॉर्डेड देखो लेकिन सेम डे पर, रिकॉर्डेड का मतलब बाद में नहीं, ठीक है, क्योंकि अलग से और इवनिंग बैच कैसे होगी। यही बैच 6:15 बजे तक जा रही है,
तो रात को 8 बजे चालू करके रात को 2 बजे वाली बैच तो आएगी नहीं बेटा, तो आपको इसी बैच से करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री में भी अगर आप हो ना, इसी से करो, लेकिन बशर्ते अपने आप में एक डिसिप्लिन रखो कि जिस दिन जो लेक्चर हुआ है मैं उसे उसी दिन कंप्लीट करूंगा, भले मैं रात तक बैठा रहूं उसके लिए ऑफिस से आने के बाद, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू हर्षित, थैंक्स अ लॉट। कूल, ये था सर हमारे इस बैच के बारे में। नाउ इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज टेल मी, हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं सर। मैं ऑडियो इंटरेक्शन भी बता देता हूं एक बार। चलो, देवांश भाई ने रेज हैंड किया है तो देवांश को कॉल कर देते हैं। हेलो सर। यस सर, देवांश बताइए। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ देवांश, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर। फाउंडेशन का रिजल्ट आ गया? हाँ सर, बढ़िया रहा। 231 मार्क्स आए। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस भाई, बहुत। नाउ गियर्ड अप फॉर इंटरमीडिएट? यस सर, बिल्कुल। एनी क्वेश्चंस, डाउट्स, क्वेरीज? सर मुझे ये पूछना है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम 8 सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहे और हम सिर्फ 5 के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं, ग्रुप 1 प्लस एडवांस अकाउंटेंट, करेक्ट करेक्ट, और मान लीजिए वो जो बचे हुए 3 हैं मैं जाता हूँ उधर बैठ के आ जाता हूँ, 0 मार्क्स आएंगे, तो एग्जम्पशन मिलेगी अगर 60 प्लस मार्क्स? मिलेगी मिलेगी, बिल्कुल सही तुमने, ये करते हैं लोग, एक्चुअली करते हैं कि ग्रुप 1 पूरा फोकस करके जाते हैं, ग्रुप 2 में कोई एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं, जैसे एडवांस अकाउंटिंग जनरली लोग उठाते हैं क्योंकि उसमें स्कोर किया जा सकता है, और बाकी 3 पेपर में फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं, तो 0 तो नहीं आते, कुछ तो इंसान लिख के आएगा ही, बट हाँ जाना जरूरी है, अटेंड बस करके आ जाओ, और बैठना भी जरूरी, जब तक तुम्हें एग्जामिनर नहीं जाने देगा तब तक बैठना पड़ेगा तुम्हें। जी बिल्कुल, लेकिन दैट वी कैन डू, एब्सोल्युटली वी कैन डू, कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि क्या अगले अटेम्प्ट में तुम्हारे पास सिर्फ 3 पेपर रहेंगे करने को। जी अजय सर, एक बात और, मैंने ना आपका जो लक्ष्य मेबाइस वाला बैच है ना, वो मैंने फाउंडेशन के बाद ही ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, रिकॉर्डेड चालू कर दिया था। जी, लगभग 60% अभी कंप्लीट भी हो गया है। ओह माय गॉड। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब मैं वही मतलब कोर्स वो सिलेबस में कुछ चेंजेस होते हैं क्या? नहीं नहीं, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, इनफैक्ट मॉड्यूल अपडेट हुई थी आपकी, यही वाली मॉड्यूल अपडेट हुई थी May 22 वाली, ठीक है, तो भी नए क्वेश्चंस ऐड हुए थे वो आप कर चुके हो एक्चुअली, मतलब अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें नए क्वेश्चंस कोई भी एडेड नहीं है क्योंकि अभी कोई अपडेट नहीं आया है बुक में। अच्छा, सिलेबस तो सालों से चेंज नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे कुछ क्वेश्चंस बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो वो आपके कवर है उसमें May 22 वाले में। अच्छा जी, ठीक है सर, थैंक यू। है ना, तो आपने अपने स्पीड के हिसाब से कर लिया, दैट इज कूल, अब आपके पास बर्डन कम रहेगा एटलीस्ट, है ना। तो आपने सारे सब्जेक्ट का किया या सिर्फ कॉस्टिंग का किया अभी? नहीं सर, मैंने पूरा बैच ज्वाइन किया था। अच्छा, पूरा ही लक्ष्य कर लिया है, मतलब आपने एग्जाम के तुरंत बाद से पढ़ना चालू कर दिया होगा। हाँ सर, मैंने बस 2-3 दिन की छुट्टी ली थी। अच्छा, तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आप ऐसा मत करना कि वापस से शुरू से सब कुछ करो, है ना। यस सर। अब आप ऐसा कर रहे हो तो आपका जल्दी ग्रुप 1 खत्म हो रहा है, तो ग्रुप 2 में भी यही कर लेना फिर। जी, हर एजुकेटर से कंफर्म कर लेना कि सर सिलेबस में क्या चेंजेस है, ठीक है। ठीक है, चलो, वेरी गुड, थैंक यू, सुपर, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। साहिल, निखिल, बढ़िया हूँ मैं, आप लोग कैसे हो? हाँ आर्यन बताइए जी। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आर्यन सर, मुझे ये डाउट है कि मैं जॉब करता हूँ सर 9 to 5, तो वो बिजी रहता हूँ सर, उसके बाद मेरे पास सिर्फ 6 बजे से टाइम रहता है सर, तो मैं क्या स्ट्रेटेजी बनाऊँ सर? तुमको फिर ऐसे केस में ना, देखो तुम्हारा अटेम्प्ट कौन सा आएगा सर? ये नवंबर 22। दो चॉइसेस हो सकती हैं आपके पास डायरेक्ट एंट्री वालों के पास, या तो आप नहीं, हेलो, हाँ बोलो सर, सीए फाउंडेशन रूट से था मेरा। सीए फाउंडेशन रूट से हो फिर भी, मतलब आप अलग से जॉब कर रहे हो ऐसा? जी सर। अच्छा, तो ऐसे केस में ना आप अपने आप पे मतलब ऐसा बहुत बर्डन मत डालना, आप क्या कर सकते हो, या तो आप ग्रुप 1 कोई टारगेट करो, और चारों सब्जेक्ट अगर नहीं हो पा रहे रात को, जैसे अब ऑलरेडी अराउंड 7 घंटे की क्लास हो रही है, ठीक है जी सर, तो शाम को 6 बजे आने के बाद 7 घंटे पढ़ना, आई थिंक इट इज चैलेंजिंग, तो व्हाट यू कैन डू इज एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और एक थ्योरी सब्जेक्ट पहले उठाओ, ठीक है जी सर, वो खत्म हो जाए फिर अगला एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी उठाओ, ताकि एक नॉर्मल तरीके से तुम नवंबर में फर्स्ट ग्रुप दे पाओ, और फिर जब फर्स्ट ग्रुप खत्म हो जाए इसी तरीके से ग्रुप 2 की स्ट्रेटजी बना देना, एक आध सब्जेक्ट और साथ में कर पा रहे हो तो वो भी कर लेना। जी सर, गेटिंग द पॉइंट? जी सर, क्योंकि यार देखो रियलिस्टिक नहीं है कि आके तुम 8 घंटे की क्लास कर पाओ, एक व्यक्ति जो दिन भर बिना जॉब में जाए भी कर रहा है, और जो एक व्यक्ति 9 to 5 जॉब करने के बाद भी अगर कर रहा है तो फर्क आता है ना, फिर क्या फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है और क्वालिटी नहीं आती पढ़ने में, ठीक है ओके सर।
क्लियर है? यस सर। चलो ओके गुड, बढ़िया, थैंक यू सर। क्या वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ स्टडीज। चलो भाई रजिस्ट्रेशन कर लिया, बहुत बढ़िया भाई। और उसके बाद कॉलेज के साथ आर्टिकलशिप कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, मैंने कॉलेज के साथ ही करी है। अगर आपका कॉलेज रेगुलर है तो आपको बताना पड़ेगा कि जहां कॉलेज है वहीं आर्टिकलशिप कर रहे हो, और अगर ओपन वाला प्राइवेट वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से कोई भी कर सकता है। अच्छा अब जैसे देखो यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे हैं। सर अक्षत पूछ रहे हैं अनअकैडमी का 12 महीने का लूं या 24 मंथ्स का लूं। देखो बेटा आप अभी फरवरी में क्लास चालू करते हो, ठीक है, और मान लो आपने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया, मतलब फरवरी 2023 में आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लो आपने डिसाइड किया कि आप 1x1 ग्रुप करने वाले हो, तो एक गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ ये हो जाएगी कि आपका जो यहाँ ग्रुप 2 का बैच चल रहा होगा, जिसका एग्जाम आपको मई 23 में देना होगा, वो फिर आप नहीं देख पाओगे। तो मेरे हिसाब से मिनिमम 18 मंथ्स वाला लो, और सेफर साइड लेना तो 24 मंथ्स वाला लो। मेरे हिसाब से 1 से ज्यादा अच्छा 18 मंथ्स वाला है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम जो 1x1 ग्रुप करने वाले हैं वो भी कवर हो जाता है कि चलो भाई इन केस मेरे को 1x1 करना पड़ गया, अनफॉर्चुनेटली मैं बोथ नहीं दे पा रहा, तो उस समय का भी यहां पर काम हो जाता है, ठीक है। तो मोस्ट रिकमेंडेड सब्सक्रिप्शन इज 18 मंथ्स, बाकी 24 लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया इंटर का, बट रेज हैंड का ऑप्शन नहीं आ रहा वॉइस। हो मैं बताता हूं जानवी, रेज हैंड का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैं जो ये क्लास ले रहा हूँ ना अभी, ये फाउंडेशन वाले कोर्स में डाल के ले रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए फाउंडेशन में हैं, तो अभी मैं उनको इंटर में स्विच कर रहा हूँ ना, इसलिए ये इंटर का नहीं है, ये फाउंडेशन का स्पेशल क्लास है। अगर ये इंटर का स्पेशल क्लास होता तो आपको भी दिख जाता एक्सेस। तो जो बच्चे सवाल पूछ पा रहे हैं ना उनके पास कॉम्बो होगा, इसलिए वो पूछ पा रहे हैं, ठीक है। तो आप चिंता मत करो, अब इसके बाद जब पढ़ाई वाले अगर कोई सेशन लेंगे ना तो वो तो इंटर के अंदर ही होंगे ना। ये तो क्या था कि फाउंडेशन अभी आप क्लियर करके आए हो, तो आप फाउंडेशन का आपका फॉलोअर्ड है वो वाला, इसलिए मैंने फाउंडेशन में लिया इसको, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी मतलब भाई, आपका पूरा पूरा फीचर चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जानवी जी, होप इट इज क्लियर। चलो सर मैं आपकी वीडियो रेगुलर देखता हूँ रिकॉर्डेड, बिकॉज मैं सीए फाउंडेशन प्रो चैनल पर लाइव क्लास लेता हूँ। सर मैंने आपकी वजह से लॉगरिथम का हर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। वेरी गुड भाई, कांग्रेचुलेशन। जानवी का डाउट हो गया है, रिपीटेटिव है जानवी का ही। सर वो सर अब प्लस वालों को कॉल का ऑप्शन नहीं है क्या? अरे नहीं ऋषभ, वही वाली बात है ना, फाउंडेशन वाली कैटेगरी में मैं ये वाली क्लास ले रहा हूँ ना, स्पेशल क्लास, इसलिए नहीं आ रहा आप लोगों को। मैं लाइव नहीं देख सकता, हमारे गांव में नेटवर्क इशू है सर, मुझे आपका ऑल कॉस्टिंग का लेक्चर लिंक दे दो प्लीज। बेटा बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे तो आप रिकॉर्डेड देखोगे या जब भी डाउनलोड करके देखोगे, लिंक तो वहां पर रहेगी ना। लेक्चर 1 ज्वाइन करना, ट्रैकर बनेगा, ट्रैकर में सारी लिंक रहेगी। अगर आप पुराना रिकॉर्डेड देखना चाहते हो तो उसकी भी पहली लेक्चर में चले जाओ, आपको वहां पे लेक्चर 1 में ट्रैकर मिल जाएगा, सब कुछ दिया हुआ है वहां पर, मुझे अलग से आपको देने की जरूरत नहीं है। ट्रैकर की लिंक आप क्लिक करोगे अपने आप आपको पूरा गूगल ड्राइव का शीट मिल जाएगा वहां पर, आप कर सकते हो उस चीज को, ठीक। सक्षम पूछे सर इन रजिस्ट्रेशन आई हैव टू सिलेक्ट प्लस आर्टिकल इफ आई ऑप्ट आउट फॉर ग्रुप 1। प्लस आर्टिकल मतलब? प्लस आर्टिकल नहीं समझा बेटा मैं, ये क्या था सक्षम? हम लोग अभी कर रहे थे प्लस आर्टिकल, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं आ रहा था। सर इन लक्ष्य बैच वी शुड कंप्लीट वार्म अप बैच और यू विल रिपीट। अरे भाई ये तो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन था, मैं तो बता दिया, बताना ही भूल गया। वार्म अप अगर आपने नहीं किया है तो अभी टेंशन मत लो, लक्ष्य बैच इज अ बैच फ्रॉम स्क्रैच, लक्ष्य बैच इज अ बैच फ्रॉम स्क्रैच। तो वार्म अप में जो टॉपिक हुए वो भी लक्ष्य में होंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने कर लिया था तो ठीक है, नहीं किया है तो भी ठीक है, दैट इज ओके। सर आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड मॉड्यूल 1 फ्रॉम योर रिकॉर्डेड लेक्चर, शुड आई कंटिन्यू विद दैट और न्यू सेशन का वेट करूं? अब अगर आपने कर ही लिया इतना सारा तो वहीं कंप्लीट कीजिए, वरना मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी एक कोर्स को फॉलो कर लिया था तो उसी से कंप्लीट कीजिए अब, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। आई हैव टेकन आइकॉनिक, प्लीज रिकमेंड बुक ऑन कॉस्टिंग ऑफ टैक्समैन और भरत लॉ। वैसे तो देखो बेटा लक्ष्य बैच के अंदर मैं आपको बताऊं तो हम लोग उनमें से कोई भी बुक रेफर नहीं करने वाले, फिर भी अगर आपको कोई बुक लेनी तो आप टैक्समैन की ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। तो आई थिंक हमने डाउट्स भी सारे ले लिए हैं, दैट्स कूल। जहरीला भाई ये क्या लिख रहे हैं? सर आपकी वजह से मैथ्स मेरे लिए चिल्टू हो गया है, थैंक यू सो मच। ओके जहरीले भाई, थैंक यू सो। जैसे आपने फाउंडेशन का वर्चुअल लाइब्रेरी बनाया था वैसे इंटर की बना देना काफी हेल्पफुल था। हर्षित बेटा ट्रैकर बनाया था ना, ट्रैकर प्लस की क्लास में वैसा बनेगा, बट इंटर में हम लोग रेगुलर क्लासेस थोड़ी लेते हैं यूट्यूब पे, तो ट्रैकर बनाने की जरूरत नहीं है सच, ठीक है जी। चलो गुड वन। नाउ
YouTube पर क्या डाउट है सर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में वर्चुअल क्लासेस का ऑप्शन आ रहा है सर, क्या वो पेड है? आपको उन क्लासेस की क्या जरूरत है? आप तो यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो ना, आपको जरूरत नहीं है उसमें। अगर पेड नहीं है तो सिलेक्ट कर दो, पेड हो तो मत सिलेक्ट करना। आई हैव डाउट सर, लक्ष्य बैच में जो कॉन्सेप्ट टीच करेंगे उससे लर्न कब करेंगे? क्लासेस इवनिंग तक रहेगा ना बेटा, लर्न नहीं करना होता, आप बड़े हो गए हो। आप ऐसा नहीं होता कि दिन भर में जो पढ़ा चलो रट लो सोने से पहले, नहीं बेटा, एक पूरी प्रोसेस चलेगी। आपको थोड़े बहुत होमवर्क दिए जाएंगे और जब सिलेबस खत्म होगा तब रिविजन्स करवाए जाएंगे। सो ऐसा मत सोचो कि सर बैच खत्म होने के बाद रटेंगे कब, रटना है ही नहीं आपको अब, ठीक है? ग्रो अप, ग्रो अप। चलो हिफाज भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप प्रैक्टिस के लिए, आपको संडे का भी टाइम है और सेम डे भी आप 6:15 बजे की आपकी क्लास रहेगी, फ्री हो जाओगे आप, उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है? नो प्रॉब्लम। बुक्स अभी ऑर्डर करें या वेट करें? देखो बेटा, सीधी बात तो यह है कि बुक्स में कोई चेंजेस नहीं है तो आपको बुक्स ऑर्डर कर देनी चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन आता है ग्रुप वाइज बुक ऑर्डर करने का तो एटलीस्ट ग्रुप 1 की अभी कर दो, ग्रुप 2 के लिए आप रुक सकते हो, ठीक है? संतोष बोल रहा है सर आप कॉस्टिंग मॉड्यूल से पढ़ाओगे अपने नोट से? मेरे जो नोट्स हैं बेटा वो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं और कॉन्सेप्ट्स मेरे द्वारा लिखे हुए हैं क्रिएटिव वे में, जिसमें मैं फोटोज एक्सेट्रा लेता हूं, ठीक है? तो इसमें मॉड्यूल कवर हो जाएगी, मतलब अलग से मॉड्यूल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मॉड्यूल ये मान के चलो हो गया इसके अंदर, ठीक है? टेंशन नहीं आएगी, जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वही हम लोग लेकर चल रहे हैं, मॉड्यूल। फाइन, बढ़िया यार, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। और कोई डाउट? May 22 के लिए फास्ट ट्रैक बैच कब आएगा? इंटरमीडिएट के रिजल्ट आने के बाद आएगा बेटा, इंटरमीडिएट का जैसे रिजल्ट आएगा ना उसके बाद मैं फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च करूंगा May 22 इंटरमीडिएट के लिए। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते सर मैं May 22 में इंटरमीडिएट देना चाहता हूँ सर, मैं वेट नहीं करना चाहता November 22 तक। भाई एलिजिबल ही नहीं हो तुम, अभी बताया ना 8 महीने का गैप होना चाहिए रजिस्ट्रेशन और 1 नवंबर के बीच में, तब जाके तो तुम नवंबर का पेपर दे पाओगे। मे तक कहां से 8 महीने पूरे करोगे, है ना? तो मे में तो तुम एग्जाम दे ही नहीं सकते। जो लोग मे के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए मैं बैच लाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। भैया मेरा एग्जाम नवंबर में, कहां से शुरू करूं? भाई साहब इतनी देर से मैंने क्या बताया तुमको, ये जो हमारा बैच चालू हो रहा है यहीं से तो शुरू करना, और कहां से शुरू करोगे? 17 फरवरी को CA इंटरमीडिएट रेगुलर बैच लक्ष्य November 22 को ज्वाइन करके वहां से शुरू करो, ठीक है? सिंपल। नहीं नहीं साहिल टेंशन मत लो, कोई फीस नहीं लेगा, ऐसे बाद में वाली फीस थोड़ी होती है, ऐसे थोड़ी तुम्हारे अकाउंट से डेबिट हो जाएगा कोई फीस अपने आप। हाँ गुनगुन बेटा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है गुनगुन? इसलिए मैंने अपग्रेड किए इन नोट्स को, आप टेंशन मत लो, ठीक है? इसलिए मैंने अपग्रेड कर दिया है। अभी मैं आपको प्रिंट ही दिखा रहा हूँ ना, मैंने प्रिंटेड ही रखा हुआ है, बहुत सिस्टमेटिक वे में बना हुआ है, टेंशन मत लीजिएगा आप। चलो जी, ओके, so that was all about today. I hope यार you guys are geared up to start the intermediate journey और बिना वेट किए, क्योंकि अभी भी आपके पास जो है ऑफर चल रहा है 20% ऑफ का, बिल्कुल वेट मत करो यार, जल्दी से जाके Unacademy Intermediate का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और कैसे लेना मैं आपको बता देता हूँ, Unacademy लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड नहीं किया है तो, और उसके बाद यहाँ पर जाके आपको बताना पड़ेगा कि आई एम अ इंटरमीडिएट स्टूडेंट, तो पहले आप सिलेक्ट कर लेना आपका गोल, गोल सिलेक्शन के बाद यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, ठीक है? और उसके बाद जाके आप वहाँ जाके प्लस या आइकॉनिक सब्सक्राइब कर सकते हो। अब तो हमारा Unacademy लाइट भी आ चुका है, लाइट के अंदर टेस्ट सीरीज भी आ गई, आप लोगों को अलग से टेस्ट सीरीज पे करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो आपके में इंक्लूड है, ठीक है सब्सक्रिप्शन में। ये देखो ना तीनों है, अगर लेकिन किसी को सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी हो तो वो भी ऑप्शन आ चुका है, ये इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज होती है। और मेरा कोड है CA प्रणव, दैट यू कैन अप्लाई टू गेट डिस्काउंटेड प्राइजेस, ठीक है? तो ये जो आपको प्राइस दिख रहा है ना 21,870, ये आपका फाइनल, मतलब जो रेगुलर प्राइस है उससे 20% माइनस वाला है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से 18 या 24 लेना चाहिए आपको, तो 20,000 का बजट मान के चलो, 18 months 20, मतलब 20,000 में 8 सब्जेक्ट बोथ ग्रुप, वो भी 1.5 महीने की वैलिडिटी के साथ, जो कि ऑफलाइन क्लासेस में क्या होगा 80,000 फॉर 8 सब्जेक्ट या 20,000 फॉर 8 सब्जेक्ट, 1/4 75% कम है चार्जेस, विथ मोर फैसिलिटी, मल्टीपल टीचर्स फैसिलिटी, एवरीथिंग, ठीक है? और दूसरी बात, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद क्या करना, तुम सबसे पहले तुमको ये पता भी तो होना चाहिए कि बैच कैसे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर मेरा नाम सर्च कर लेना तुम, जब तुम सब्सक्रिप्शन ले लोगे, और सर्च करने के बाद मेरे प्रोफाइल में जाना तुम यहाँ से, तो फिर तुम्हें प्रोफाइल में यहाँ पर मिलेगा, देखो लक्ष्य November 22 बैच फॉर CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1, इसी तरीके का ग्रुप 2 का भी बनेगा जब ग्रुप 2 की बैच चालू होने वाली होगी, और इसमें जाके आप यहाँ एनरोल का बटन प्रेस कर देना। एक बार आपने बैच को एनरोल कर दिया ना,
तो फिर आपको हर एक सब्जेक्ट को एनरोल नहीं करना पड़ेगा, सबके नोटिफिकेशन आएंगे आपके पास। जैसे ये देखो 17 फरवरी को सुबह 8 बजे अंशुल सर की क्लास है, फिर 10:15 पे श्रेय सर की, फिर 2:30 बजे मेरी है ना, कुणाल सर का भी वहां पर ऐड हो जाएगा, अभी इन प्रोसेस है, वो भी ऐड हो जाएगा, और बढ़िया तरीके से आप जो है अपनी जर्नी एंजॉय कर सकते हो। चलो जी, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। और कोई भी सवाल अगर रहते हैं तो इसी यूट्यूब वीडियो के अंदर नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, आज रात को सोने से पहले मैं कमेंट बॉक्स चेक कर लूंगा और आपके सवालों का उत्तर दे दूंगा, ठीक है? तो सी यू ऑल ऑन 17th एट क्या टाइम, मेरा टाइम क्या है, 2:30 PM डेली, ठीक है? तो भाई साहब प्रॉपर रात को नींद करना, दोपहर को कोई सोना नहीं चाहिए, पहले बता दे रहा हूं मैं, ठीक है? ज्यादा लगे तो चाय पी के 2:30 बजे वाली क्लास में बैठना, कोई सोएगा नहीं, पहले बता दे रहा हूं मैं। चलो ठीक है, सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। दिल से रे वेटिंग फॉर यू, दिल से रे।